तो ये कंज्यूमेबल आइटम्स को जिस तरह से डील किया जाता है उसके लिए मैंने एक पूरा बड़ा प्यारा सा एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, देखो कंज्यूमेबल आइटम्स को कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उससे यूज निकल के आता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूज निकल के आता है। राइट, परचेजेस कैश परचेजेस भी हो सकती हैं और क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती हैं। तो कैश प्लस क्रेडिट, यहां पर आप लोग चाहो तो ऐड कर लो, वैसे कुछ है नहीं, समझ में तो आ ही रहा है। परचेजेस कैश भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी हो सकती हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए क्या फॉर्मेट है, क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए क्या फॉर्मेट है, हम लोगों ने देखा ही, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ठीक, एड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स मतलब बैलेंस एट द एंड, क्रेडिटर्स एट द एंड। ठीक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस टू क्रेडिटर्स, ये भी एड होगा, एडवांस इन द बिगिनिंग। फिर लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एडवांस इन दी सॉरी हाँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स एट दी क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक है, और ये एडवांस टू क्रेडिटर्स यानी एडवांस टू क्रेडिटर्स एट दी एंड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस टू क्रेडिटर्स एडवांस एट दी एंड। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स मतलब आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एडवांस एट दी एंड। ठीक है, ये आ जाएगा परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो आ जाएगा यूज, यूज में या तो कंजम्पशन होगा या तो सेल होगा। अगर कंजम्पशन हुआ तो इट विल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर सेल हुआ तो फिर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ आइटम कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड दैट विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। राइट, ये था हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स, डन। चलो सर, नेक्स्ट अपना आता है बैलेंस शीट। इसमें कुछ है नहीं, बैलेंस शीट ऑफ एन एनपीओ इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज दैट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। ठीक है, अपना जितने भी कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन सारा खत्म, इतना अगर एनपीओ में समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, सब खत्म। ठीक है, नहीं आया तो सारी वीडियोज यूट्यूब पे पड़ी है, दोबारा देख लेना। राइट, और उसके बाद अब अपने क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2017 की, कैपिटल फंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लोन सन्डरी क्रेडिटर्स, बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, कैश इन हैंड। ठीक, बहुत अच्छी बात है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, 31 मार्च 2018 का रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ है और 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दी हुई थी, ओपनिंग बैलेंस शीट दी है और पूरे साल का रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस फॉर 2017, फॉर 2018, फॉर 2019, टोटल सब्सक्रिप्शन 24,000 रुपये मिला है। एंट्रेंस फी, लॉकर रेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मिसलेनियस इनकम, एक्सपेंसेस फॉर 2017, फॉर 2018, लैंड, इंटरेस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 एंड अ बैलेंस शीट एज द 31 मार्च 2018, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, हम लोगों को रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है और हम लोग और ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी हुई है और हम लोगों से कह रहे हैं कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। हम बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शुरू हो जाए। आओ, कौन है ये,
नाम दिया है कुछ ना? ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, एक्सपेंडिचर रुपए, इनकम रुपए, ठीक है सर। चलो, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बनाया जाता है। बैलेंस शीट से तो कोई मतलब है नहीं अभी, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स से शुरू करेंगे। ये बैलेंस शीट्स में भी देख लेते हैं एक बार। कैपिटल फंड नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, 31st मार्च 2017 को अगर कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ है तो मतलब ये तो 2017-18 से रिलेटेड है ना। अगर 31st मार्च 2017 को कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है ये 31st मार्च 2018 से रिलेटेड है, राइट। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सब्सक्रिप्शन में हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है, लोन से कोई मतलब नहीं है, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इससे भी कोई मतलब नहीं है, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, इससे भी कोई मतलब नहीं है, कैश इन हैंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो पिछले साल का ही सब्सक्रिप्शन रहा होगा ना, वो तो पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ ही गया होगा। इस साल तो उसके लिए बस पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लॉ सॉरी इस साल तो उसका बस पेमेंट रिसीव होगा, ठीक है। इस साल इसका पेमेंट सिर्फ रिसीव होगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये भी पिछले साल के खर्चे में बुक हो गया होगा और इस साल उसका बस पेमेंट दिया जाएगा। एसेट्स में क्यों है? अच्छा, हम लोगों को रिसीव होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट मतलब हम लोगों को रिसीव होगा और कैश इन हैंड तो है। चलो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आते हैं। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड से कोई मतलब नहीं है, सब्सक्रिप्शंस। तो आ जाओ भाई, बाय सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शंस में सर 17, 18 और 19 तीन सालों का अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। 2017 का 2000 रुपये मिला है, 2018 का 21,000 रुपये मिला है, 2019 का 1,000 रुपये मिला है, ठीक है। हम लोगों को बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। हम लोगों को जो बनाना है वो बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। तो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 तो सिर्फ ये 21,000 है ना, ठीक है। 2018 के लिए तो सिर्फ ये 21,000 है, ना ये 2,000 है ना ये 1,000 है, ठीक है। प्लस प्लस ये जो सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल एडवांस में मिला हुआ था 6,000 रुपये, ये भी तो 2018 से रिलेटेड है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये 31st मार्च 2017 को एडवांस में दिया हुआ है, अगर मैं कह रहा हूं कि 31st मार्च 2017 को ये सब्सक्रिप्शन एडवांस में दिया हुआ है, मतलब ये 31st मार्च 2018 से रिलेटेड है, राइट। तो अगर हम लोगों को ये निकालना है कि 31st मार्च 2018 का कितना सब्सक्रिप्शन हम लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए, कितना सब्सक्रिप्शन में इनकम दिखानी चाहिए, तो ये वाला 6,000 जो पिछले साल ही मिल गया था, प्लस ये 21,000 जो इस साल मिला है, ठीक है। और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है यार, नवंबर 2018 में 10 मार्क्स का आया था, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमने किया 21,000 प्लस 6,000, ठीक है, तो ये आएगा 27,000। क्यों कैलकुलेटर उठा रहा था पता नहीं, ठीक है। तो बाई सब्सक्रिप्शन 21,000 तो आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिखा रहे हैं कि इस साल से रिलेटेड 21,000 मिला है, और 6,000 हमारा पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा रहा था, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा रहा था, ठीक है। तो इस है वो इसी साल की इनकम, इसलिए उसको भी ऐड किया। तो बाई सब्सक्रिप्शन 21,000 प्लस 6,000 रुपीज, राइट। आगे चलते हैं, एंट्रेंस फी। अच्छा, एंट्रेंस फी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो एंट्रेंस फी के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग उसको कैपिटलाइज करते हैं, मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, ठीक है। कैपिटलाइज करने का क्या मतलब है, कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा,
लॉकर रेंट, लॉकर रेंट हम लोग कर देते हैं बाय लॉकर रेंट, बाय 7,000 रुपए, बाय लॉकर रेंट 7,000 रुपए, बाय लॉकर रेंट 7,000 रुपए, अरे पिछली वाली बैलेंस शीट में ये भी तो है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। ओके अच्छा तो ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट पिछली वाली बैलेंस शीट में 2,400 रुपए का है, ठीक है, मतलब 2017 वाला 2,400 है, तो ये जो हम लोगों को टोटल रिसीव हुआ है 7,000 रुपए, ये जो हम लोगों को टोटल रिसीव हुआ है 7,000 रुपए, इसमें से 2,400 का तो पिछले साल से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो हम लोगों को 7,000 रुपए यहां पर लॉकर रेंट रिसीव हुआ है इसमें से 2,400 तो पिछले साल से रिलेटेड है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी साल का बना रहे हैं, तो हम लोग 7,000 में से 2,400 माइनस करेंगे क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। फिर से बता देता हूं, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 2,400 रुपए का दिख रहा है, ठीक है, और इस साल के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में लॉकर रेंट की टोटल रिसीट दिख रही है 7,000 रुपए की, मतलब इस 7,000 रुपए में से 2,400 तो ओपनिंग वाला होगा ना, पिछले साल का होगा, तो उसको हम लोगों को माइनस करना होगा, तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे वो ये 7,000 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 7,000 माइनस 2,400, 7,000 माइनस 2,400, 4,600, ठीक है सर। अचानक से मेरी नजर पड़ी बैलेंस शीट पे, क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद, एनीवे तो लॉकर रेंट में आप 7,000 की टोटल रिसीट है, इसमें से 2,400 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, तो आप इसको माइनस करोगे तो आएगा आपका 4,600 रुपीज। नेक्स्ट, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 1,000 रुपए, ये तो लिख ही दो, बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 1,000 रुपए, ये तो लिखी दो आप, बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 1,000 रुपए, बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 1,000 रुपीज। इसके बाद मिसलेनियस इनकम 9,000 रुपीज, ठीक है, बाय मिसलेनियस इनकम 9,000 रुपीज, ये हो गया। ओके एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 2017 से 12,000, 2017 के एक्सपेंसेस 12,000 थे और 2018 के 20,000 है, हम तो 2018 का बना रहे तो हम सिर्फ 20,000 लिखेंगे, एक बार बैलेंस शीट में देखें कुछ है तो नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000, अच्छा हाँ, तो ये एक्सपेंसेस में तो हम लोगों को इसने अलग अलग करके दिया ही हुआ है, राइट, 14,000 के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे, 14,000 के एक्सपेंसेस 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उनमें से इस साल सिर्फ 12,000 का ही पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, हम ये नहीं मानेंगे कि 20,000 में से भी 2,000 पुराने साल से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली दिया हुआ है ना 2017 के एक्सपेंसेस सिर्फ 12,000 का पेमेंट है, यहाँ पे तो क्वेश्चन ने क्लियरली आपको दे दिया है ना कि 2017 वाले जो एक्सपेंसेस पे किए हैं वो सिर्फ 12,000 का अमाउंट पे किया है, तो यहाँ पर 14,000 था, नो डाउट यहाँ पर 14,000 था, लेकिन अभी भी 2,000 का पेमेंट बाकी है, सीधी सी बात है, इवन ऑन 31 मार्च 2018 2,000 का पेमेंट बाकी है, हम 2018 के एक्सपेंसेस तो यही 20,000 रुपए होंगे, ठीक है, 2 एक्सपेंसेस 20,000 रुपए, टू एक्सपेंसेस 20,000 रुपए, इसके बाद बाई लैंड, लैंड तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा ये, बाई इंटरेस्ट 4,000 रुपए का इंटरेस्ट ये चला जाएगा, टू इंटरेस्ट 4,000 रुपए, ठीक है, टू इंटरेस्ट 4,000 रुपए, नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,700 ये भी चला जाएगा, टू
4,700, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,700, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,700, इसके बाद बस बैलेंस खत्म, इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म, और तो कुछ है नहीं ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म हो गया अपना। तो अब हम लोग देख लेंगे राइट साइड का क्या है, 27,000 प्लस 4,600 प्लस 1,000 प्लस 9,000 माइनस 20,000 माइनस 4,000 माइनस 4,700, सरप्लस आ गया भाई साहब 12,900 रुपए का। तो 2 सरप्लस 12,900 खत्म। सरप्लस आ गया 12,900, हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है ना, हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018, ठीक है। लायबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए, ठीक है। अच्छा फॉर्मेट बना लो, उसके बाद बताता हूं बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 18, लायबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए, ठीक है, डन। चलो बैलेंस शीट बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप पुरानी वाली बैलेंस शीट के आइटम से शुरू करो, अदरवाइज आप छोड़ दोगे कुछ कुछ आइटम्स। आप पुरानी वाली बैलेंस शीट के आइटम से उठाने शुरू करो। सबसे पहले क्या है, कैपिटल फंड, आओ कैपिटल फंड बनाते हैं। कैपिटल फंड क्या था, ओपनिंग बैलेंस 1,06,200, तो 1,06,200, ठीक है। अब इसमें सरप्लस भी ऐड होगा, और सरप्लस तो ऐड होगा ही होगा, और साथ ही साथ ये जो एंट्रेंस फी थी सर 38,000 रुपए की, ये भी तो ऐड होगी, ठीक है। इसमें सरप्लस तो ऐड होगा ही होगा, और ये जो एंट्रेंस फी, इसको भी तो कैपिटलाइज कर रहे हैं, और इसको कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटल फंड में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग करेंगे ऐड सरप्लस 12,900, एंट्रेंस फी 38,000 की थी ना, हाँ, तो 12,900 का सरप्लस और 38,000 की एंट्रेंस फी, इसको हम लोगों ने ऐड किया। 1,06,200 प्लस 12,900 प्लस 38,000 गिव्स 1,57,100, तो 1,57,100, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि पुरानी वाली बैलेंस शीट उठाओ, उसमें एक एक आइटम देखते रहो, और वो उसमें अगर कोई चेंज है तो लिख दो, अदरवाइज एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो एंट्रेंस फी 38,000 करने के बाद आता है 1,57,100 रुपीज, राइट। अब देखो इसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो क्या हमें 2018 में कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, हाँ मिला है। ये देखो ना रिसीट्स एंड पेमेंट्स में 2019 से रिलेटेड 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका यहां पर आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज। आई होप ये समझ में आ रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैलेंस शीट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक एक आइटम बैलेंस शीट का उठा रहे हैं, कैपिटल फंड उठाया, उसमें जो भी चेंजेस थे वो हम लोगों ने किए।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा ये 6000 तो पिछले साल वाला एडवांस में था ना, इस साल तो वो हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया इनकम में, क्या अभी भी इस साल के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ हुआ है? हाँ ये देखो कहाँ गया, 2 सब्सक्रिप्शंस में, अगर रिसीट्स एंड पेमेंट्स में देखोगे तो 2019 का ये 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, नोट कर लिया राइट। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे हमारे 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे? देखो यहां पर मैं बता देता हूं आएंगे, 14000 रुपए के टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे शुरुआत में, शुरुआत में टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14000 रुपए के थे, उसमें से सिर्फ 12000 के तो पे किए गए, जो 14000 के टोटल एक्सपेंसेस थे आउटस्टैंडिंग उनमें से सिर्फ 12000 का ही तो पेमेंट किया गया, तो 2016-17 से रिलेटेड, 2016-17 की बैलेंस शीट है ना ये, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 का क्या मतलब हुआ, पूरे साल क्या था 2016-17, तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 14000 रुपए के, ये इनकर तो हुए होंगे 2016-17 में, ठीक है, इनका पेमेंट हुआ है 2017-18 में, ठीक है, और वो भी सिर्फ 12000 रुपए का पेमेंट हो पाया, 2000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 2016-17, 14000 माइनस 12000, ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2016-17 वाले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, 14000 टोटल थे, उनमें से 12000 तो पेमेंट कर दिया गया, 2000 अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ठीक है, तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे 2000। देखो अगर बैलेंस शीट से शुरू नहीं करते हम लोग तो ये सारी चीजें मिस हो जाती हैं छोटी छोटी, ठीक है ना, ऑल राइट। उसके बाद आता है आपका लोन, तो लोन के बारे में तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो लोन एज इट इज आ जाएगा 40000 रुपए का, लोन एज इट इज आ जाएगा 40000 रुपए का, ठीक है, लोन एज इट इज आ जाएगा 40000 रुपए का। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 10000 रुपए, क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में? कोई नहीं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी एज इट इज 10000 रुपए से दिखने लग जाएंगे, दिखते रहेंगे, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज 10000 रुपए के दिखते रहेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज 10000 रुपए के दिखते रहेंगे, ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाले सारे आइटम्स हम लोगों ने लिख लिए, ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाले सारे आइटम्स हम लोगों ने लिख लिए, अब आ जाओ एक एक इसी तरह से एसेट से करते हैं। बिल्डिंग 150000 रुपए की, क्या कुछ और बिल्डिंग परचेज थी कहीं? कोई बिल्डिंग परचेज नहीं थी, आई डोंट थिंक सो, लैंड परचेज की थी, बिल्डिंग थोड़ी परचेज की थी, कोई डेप्रिसिएशन में नहीं था, ठीक है, बिल्डिंग एज इट इज 1.5 लाख रुपए की दिखेगी, बिल्डिंग एज इट इज 1.5 लाख रुपए की दिखेगी, बिल्डिंग एज इट इज 1.5 लाख रुपए की दिखाई देगी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3800, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3800, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 3800 था, तो देखो एक बार 3800 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो तो 2016-17 से रिलेटेड था, ठीक है, 2016-17 के एंड में ऑन 31 मार्च 2017 3800 का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, लेकिन फॉर 2017 मिल कितना पाया? सिर्फ 2000 का, ठीक है, तो आउट ऑफ 3800 रुपीज सिर्फ 2000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन मिल पाया रिलेटिंग टू द ईयर 2016-17, मतलब अभी भी 1800 का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, अभी भी 1800 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, राइट right? एक काम करो आप, यहां थोड़ी सी जगह छोड़ दो बिल्डिंग के नीचे, कुछ और फिक्स एसेट, जैसे ये लैंड वाला फिक्स एसेट देखा था ना हम लोगों ने, ये लैंड, लैंड खरीदी थी तो ये फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स को एक साथ लिखा जाता है, तो लैंड वाला फिक्स एसेट हम लोग वहीं पर लिख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, या चलो एक काम करते हैं पहले ही देख लेते हैं, कोई और फिक्स एसेट तो नहीं है, बस लैंड ही दिख रही है और तो कोई दिख नहीं रहा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लॉकर रेंट कैश एंड ये सब करेंट एसेट्स है,
ठीक है, तो एक काम करते हैं यहां पर लैंड लिख देते हैं, लैंड 40,000 रुपीज। ठीक है, लैंड लिख दी 40,000 रुपीज। अब आ जाओ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 3,800 का था, मिला केवल 2,000, तो अभी भी 1,800 आउटस्टैंडिंग है, अभी भी 1,800 आउटस्टैंडिंग है। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 3,800 रुपीज। आउट ऑफ दिस ओनली 2,000 हैज बीन रिसीव ड्यूरिंग 2017-18, राइट? तो 1,800 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 18, राइट? ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डन। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 2,400 का लॉकर रेंट था, यहाँ पर जो रिसीव हुआ है लॉकर रेंट उसमें ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ था कि 2017 का कितना है 2018 का कितना है, तो हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो 2,400 का लॉकर रेंट था ये पूरा का पूरा हम लोगों को इस साल रिसीव हो चुका है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस साल हमें रिसीव हो चुका है, तो हमें आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, हमें अपनी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट नहीं लिखना है। ठीक, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की फिगर तो ये आएगी 18,300, ये वाला तो ओपनिंग फिगर है ना, ये देखो ये तो ओपनिंग फिगर है। ठीक है, तो 20,000 रुपए की तो ओपनिंग फिगर होती है, तो ये 18,300 जो है ये अपनी कैश इन हैंड आ जाएगी, कैश इन हैंड 18,300, कैश इन हैंड 18,300। ठीक है, कैश इन हैंड 18,300। तो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हम लोगों ने एक बार देख लिए, हम लोगों ने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स एक बार देख लिए। ठीक है, अब आज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के देखते हैं, कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड तो नहीं है। कैश इन हैंड हो चुका है, सब्सक्रिप्शन 2017 वाले जो सब्सक्रिप्शन था तो ये हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके दिखा दिया, अभी भी 1,800। 2018 वाला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया, और 2019 वाला हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखा दिया, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी 1,000 रुपए हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अब कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा है। एंट्रेंस फी हम कैपिटलाइज कर चुके हैं, कैपिटल फंड में ऐड कर चुके हैं, लॉकर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा चुका है, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स ये भी जा चुका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मिसलेनियस इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा चुकी है। एक्सपेंसेस 2017 के 12,000 रुपए थे, कितने 14,000, तो ये हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी, ये हम लोग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके ये 2,000 रुपए ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसके बाद लैंड, लैंड आ चुकी है फिक्स एसेट्स में, इंटरेस्ट उसमें चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले गए, कैश इन हैंड अपना बैलेंस शीट में आ गया 18,300 का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अपनी बैलेंस शीट अब टैली हो जानी चाहिए। ठीक, 157,100 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, तो ये आता है 2,10,100। दो लाख दस हजार एक सौ में इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने यहां पर भी लिख ही दिया, देख लें, 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,800 प्लस 18,300, 2,10,100। ठीक है, तो 2,10,100 आपकी बैलेंस शीट आ गई है, तो ये आपकी टैली भी हो गई है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस हम लोगों को क्वेश्चन फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं शुरुआत से पहली क्लास से ये बताता रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हो वैसे वैसे करते जाना है बात करते। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो कैश या बैंक वाला बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन इतने मिले हैं, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सैलरीज, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, सर्वे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक, फिगर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर फर्निश्ड एज फॉलोज, तो इसमें हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यूज दी हुई है, एज एट 31st March 2015 भी दिया हुआ है और एज एट 31st March 2016 भी दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दी हुई है।
Salaries outstanding, outstanding rent and electricity, outstanding for magazines and newspapers, fixed deposit 10% with bank, interest accrued thereon, subscription receivable, prepaid expenses, furniture, sports equipment, library books. The closing values of furniture and sports equipment are to be determined after charging depreciation at 10% and 20% per annum respectively, inclusive of the additions if any during the year. अच्छा, depreciation जो हम लोगों को लगाना है, अगर हम लोगों ने साल भर में कुछ खरीदा है, तो उस पे भी पूरे साल का ही depreciation लगाना है, right? The club's library books are revalued at the end of every year and the value at the end of 31st March 2016 was 5,250 rupees required. From the above information, you are required to prepare the club's balance sheet as of 31st March 15, the club's income and expenditure account for the year ended 31st March 16, the club's closing balance sheet as of 31st March 16. ठीक है, हमें opening balance sheet बनानी है, income and expenditure बनाना है और closing balance sheet बनानी है. तो आप लोग balance sheet का format बनाना तो शुरू करो. आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना तो शुरू कर ही दो. ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2015 हमें बनानी है. बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2015 हम लोगों को बनानी है. कौन सा क्लब है यार ये? स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब. ओके, स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब. ठीक, बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2015, लायबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए. बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2015, लाइबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए. ठीक है, चलो आओ देखते हैं. पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स. हमारा कुछ भी सॉल्व करने का तरीका वही रहता है, क्वेश्चन को सीक्वेंशियली पढ़ते रहो और क्वेश्चन के हिसाब से उसको सॉल्व करते रहो. राइट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश इन हैंड होगा. ठीक है, तो ये होगा अपना कैश इन हैंड एज ऑन 31st मार्च 2015. तो ये अपनी बैलेंस शीट में यहां पर कहीं पर कैश इन हैंड आएगा. ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में ऊपर तो फिक्स एसेट्स लिखे जाते हैं. राइट, तो इसको अभी याद रखेंगे हम लोग और इसको अभी ऐसे नहीं लिखेंगे. ठीक है, फिक्स एसेट्स, फिर सॉरी नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज. राइट, तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी पूरी की उसी फॉर्मेट में सब बनाया जाए. तो कैश इन हैंड अभी बाद में लिखेंगे, करंट एसेट्स में लिखेंगे. ठीक है, ओके. सब्सक्रिप्शंस, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सैलरीज, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, सर्वी एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और ये तो क्लोजिंग कैश ऑन हैंड है. रिसीट्स एंड पेमेंट्स में से अभी और कुछ बैलेंस शीट में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. राइट, अब आ जाओ. फिगर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइब्रेरीज आर फर्निश्ड एज़ फॉलोज. 31st मार्च 2015 की सारी फिगर्स यहाँ पर इन लोगों ने दी हुई है, बस एक एक करके उठाते जाओ. सैलरीज आउटस्टैंडिंग 710, करंट लाइबिलिटी देखते हैं बाद में लिखेंगे. Outstanding rent and electricity, current liability बाद में देखेंगे. Outstanding for magazines and newspapers, current liability बाद में देखेंगे. Fixed deposit 10% with bank, investment है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले non current assets, फिर उसके बाद investments, उसके बाद current assets. Right? तो interest accrued thereon, ये current asset हो गया. Subscription receivable, current asset हो गया. Prepaid expenses, current asset हो गए. Furniture, sports equipment, library books, ये हमारे non current assets. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे furniture, sports equipment, library books. फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स. ठीक है, 9,600, 7,200 और 5,000. 9,600, 7,200, 9,600, 7,200, 5,000. यही था ना, 9,600. हाँ ठीक, तो हम लोगों ने ये तीन चीजें तो कर दी, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, ये हम लोग लिख चुके हैं. इसके बाद मुझे याद है एक ये नॉन करंट, एक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, फिक्स डिपॉजिट 10% विद बैंक, तो इसको भी लिख लेते हैं. आ जाओ,
फिक्स्ड डिपॉजिट 10%, 20,000 रुपए का ये था, ठीक है। तो 20,000 रुपए का ये अपना फिक्स डिपॉजिट भी हो गया। फिक्स नॉन करेंट एसेट्स मेरे ख्याल से सारे हो चुके हैं, यहां पर कुछ था क्या? नहीं, कुछ नहीं था। नॉन करंट एसेट्स सारे हो चुके हैं, अब करंट एसेट्स लिखते हैं। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आके ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश वाला लिख देते, ठीक है। तो इसको यहां पर लिख देते हैं हम कैश इन हैंड, अमाउंट कितना है 4820, ठीक है। बाकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कुछ नहीं था। अब आ जाओ यहां पर सैलरीज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, ये कर देते हैं यहां पर एसेट्स में अक्रूड इंटरेस्ट, अमाउंट क्या था 500 रुपीज, अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपए, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है 1263, ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263 और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 417, प्रीपेड एक्सपेंसेस 417, ठीक है सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस 417। कुछ और है क्या करंट एसेट्स में जाने के लिए? कुछ और है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में? तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये सब करंट लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारी एसेट साइड में कुछ और जाने के लिए नहीं है, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर तो कैपिटल लिखा जाता है, लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर कैपिटल लिखा जाता है जो कि यहां पर होता है कैपिटल फंड, ठीक है। पर क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल फंड की फिगर दी हुई है? पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल फंड की फिगर तो दी ही नहीं हुई है, राइट। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये बाकी सारी लाइबिलिटीज की पोस्टिंग हम लोग कर देंगे, बाकी सारी लाइबिलिटीज को हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट की जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल गिव अस कैपिटल फंड, ठीक है। आई रिपीट, हम लोग बाकी सारी चीजों को बैलेंस शीट में लिख देंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट की जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल गिव अस कैपिटल फंड, राइट। तो हम लोग यहां पर कैपिटल फंड के बगल में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कैपिटल फंड के बगल में हम लोग लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, और इधर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि अपनी करंट लाइबिलिटी में सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही हैं। ये देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग करेंगे सैलरीज रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो कितना कितना आ गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा मेरा 710, 864 और 226, 710, 864 और 226, 710-864-226, ये आ गया 1800 रुपीज, 1800 रुपीज, ठीक है। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये जितनी भी चीजें थी, ये वाली, ये सारी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया। और रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जितना था ये था बस, ये भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक। तो बस अपनी बैलेंस शीट में और कुछ, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ और जाने की जरूरत नहीं है, और आप अब कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं।
तो 9600 प्लस 7200 प्लस 5000 प्लस 20000 प्लस 4820 प्लस 500 प्लस 1263 प्लस 417 दिस कम्स टू 48800 माइनस 1800 व्हिच गिव्स योर कैपिटल फंड 47000 रुपीस 47000 रुपीस ठीक है कैपिटल फंड आपका आ जाता है 47000 रुपीस तो आपकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये तो बनके तैयार हो जाती है जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है ये बनके आपकी तैयार हो जाती है ठीक है अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं इस क्वेश्चन में तो हम लोगों से स्पेसिफिकली इसने पूछा था कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ राइट लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछता ना कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ तब भी हम लोगों को वर्किंग नोट में ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी ही पड़ती द रीजन इज कि जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो भी सरप्लस या डेफिसिट होता है वो कैपिटल फंड में डालते हैं ना तो उसके लिए कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस तो पता होना जरूरी है ना और वो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए ही हमें ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ती है राइट तो इन दिस क्वेश्चन इट वॉज स्पेसिफिकली आस्क्ड कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी आप बनाओ लेकिन बाकी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स दे देगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देगा और उसके बेसिस पे कहेगा कि आप बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ ठीक है पर फिर भी हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल फंड राइट तो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट तो बन गई अब आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 एक्सपेंडिचर रुपए इनकम रुपए ठीक है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 एक्सपेंडिचर रुपए इनकम रुपए शुरू करते हैं हमें रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है एक एक चीज से शुरू हो जाते हैं राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा टू सब्सक्रिप्शन तो आओ लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस ठीक है कितना अमाउंट था 28,600 तो 28,600 को मैं यहां लिखूंगा ठीक है और मैं क्या क्या ऐड करता हूं आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस इन द बिगिनिंग और क्या क्या लेस करता हूं आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और एडवांस इन द एंड ठीक है तो आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या फिगर दी हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ठीक है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज 1575 इसको मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग इज 1263 इसे मैं लेस करूंगा ठीक है 1575 इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब एज एट 31st March 2016 तो इसको तो मैं ऐड करूंगा और 1263 वाज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग तो इसको मैं लेस करूंगा तो आ जाओ सर ऐड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 16 1575 तो 28600 प्लस 1575 30175 और लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 15 ठीक है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 15 तो ये आएगा आपका 1263 तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 3175 माइनस 1263 28912 ठीक है सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा 28912 अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो हम लोग फॉर्मेट कर रहे थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड एडवांस इन द बिगनिंग आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग एडवांस एट द एंड वो फॉर्मेट अब क्यों जरूरी है
अब हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना, अब हम लोगों को सोचना नहीं है कि यार कौन सा सब्सक्रिप्शन इस साल से रिलेटेड है, कौन सा सब्सक्रिप्शन पिछले साल से रिलेटेड होगा एंड ऑल दैट, राइट। हम लोगों को सिंपली वो फिगर फॉर्मेट में वो फिगर्स को पुट करना है एंड वी अराइव एट द आंसर, राइट। लॉजिक मैं समझा ही चुका हूं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का काम हो गया, उसके बाद मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? आई डोंट थिंक सो। मिसलेनियस इनकम में नहीं, मिसलेनियस इनकम में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बाय मिसलेनियस इनकम 700 रुपए, बाय मिसलेनियस इनकम 700 रुपए, बाय मिसलेनियस इनकम 700 रुपए। इसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, आ जाओ इसको लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में? 2000 रुपए। और इस पे मेरे ख्याल से कोई एडजस्टमेंट भी था, ये देखो इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, ये है ना, आ गया ये इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, ठीक है। तो अगेन अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, अक्रू का मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये 500 हम लोग ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ये वाला 500 हम लोग लेस करेंगे। आई नो फिगर 500 ऐड करना और 500 लेस करना मूर्खता है क्योंकि कोई नेट फेक तो निल ही आएगा, बट फिर भी हम लोग प्रॉपरली दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के हिसाब से 2000 है इंटरेस्ट, 2000 एड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 16 500, तो ये आता है 2500, लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 15 500, तो ये आएगा आपका 2000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2000 रुपए है, एड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 16 इज 500, लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 15 इज 500, तो दिस कम्स टू 2000 रुपीज। हो गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब आ जाओ पेमेंट साइड, सैलरीज। सैलरीज में कुछ है क्या आउटस्टैंडिंग वगैरह? ये रहा आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग लेस करेंगे, आ जाएगा। टू टू सैलरीज कितना है? 12000 रुपए, एड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 16, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 16 विल कम टू 170, तो 170 ऐड करो, तो दिस विल गिव यू 12,170 लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 15, 710, ठीक है। तो 12,170 माइनस 710, 11,460, 11,460। बहुत ही सिंपल चल रहा है ये क्वेश्चन। तो सैलरीज में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करो, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस करो, 710, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट, सैलरीज के बाद आता है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी ये रहा आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 973 ऐड करेंगे, 864 लेस करेंगे, तो बाय रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220 है ना ये, टू रेंट एंड इलेक्ट्रिक सिटी 7220 एड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 16 973, तो 7220 प्लस 973 कम्स टू 8193 लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 15
To rent and electricity 7220, add outstanding as on 31st March 16, outstanding at the end 973, less outstanding as on 31st March 15, outstanding at the beginning 864. Rent and electricity ke baad library books. Acha library books to aapka capital expenditure hoga kyunki library books ka jo benefit hota hai wo ek se zyada saal ke liye milta hai. Theek hai, to library books aapka income and expenditure account mein nahi jayega. मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. मैगजीन्स जो होती हैं सर, मैगजीन्स आपकी यूजुअली या तो वीकली होंगी या तो डेली होंगी या तो फोर्टनाइटली होंगी या सिक्स मंथली होंगी. बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ना एक पीरियोडिकल चीज होती है, पर हर पीरियड के लिए अलग अलग, पीरियड के लिए अलग अलग आती हैं, ये अलग अलग इनके एडिशन आते हैं, राइट. तो इनका बेनिफिट साल भर में मिलकर एग्जॉस्ट हो जाता है. जैसे न्यूज़पेपर आप एक दिन से ज्यादा नहीं पढ़ते हो, ठीक है, वो बात अलग है. अगर आपको किसी एक न्यूज़पेपर का कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल बहुत ज्यादा पसंद आ गया तब आप उसको स्कैन करके रख लोगे या फोटो खींच के रख लोगे, व्हाटएवर. बट अदरवाइज तो जो न्यूज़पेपर अगर आपके घर पे आता है तो अगले दिन तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कबाड़ में ही बिकता है वो, राइट. तो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स जितने भी होते हैं ये सारे पीरियोडिकल्स होते हैं, मतलब ये हर पीरियड के लिए अलग अलग आते हैं. तो इनका जो बेनिफिट है वो एक साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो ये अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे. 2172 है इसका नंबर. टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 2172 एड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 16. इसके लिए भी आउटस्टैंडिंग था ना ये 340. तो 2172 प्लस 340 2512 और फिर लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 15 226. तो ये आया 2286. ठीक है. मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो ये आ गया 2286. बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस. अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई है एडजस्टमेंट? सन्ड्री एक्सपेंसेस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ये रहा. अच्छा, तो जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं उनसे उनमें हम लोग ये प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला एडजस्टमेंट करेंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, राइट. अभी तक हम लोग सारा आउटस्टैंडिंग में डील कर रहे थे. तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस होता है, राइट. और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एडवांस के लिए होता है. तो एडवांस इन द एंड लेस होता है और एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड होता है, राइट. तो अब सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,278 रुपए के थे, ठीक है. मैं एक बार थोड़ा स्लोली समझाता हूँ. आपका फॉर्मेट क्या होता है, अभी भी रिसीट्स एंड पेमेंट से अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आना है तो आपका फॉर्मेट क्या होता है. आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स वाली फिगर लेते हो, उसमें आप ऐड करते हो आउटस्टैंडिंग एट द एंड और ऐड करते हो एडवांस इन द बिगिनिंग, राइट. तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये क्या है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं व्हाट आर दीज, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इन द बिगिनिंग को आप ऐड करोगे और एट द एंड को आप लेस करोगे, ठीक है. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये जो 1263 वाले हैं, नहीं सॉरी ये 417 और 620 अपने, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस में बिगिनिंग वाली फिगर है ये 417 रुपए, बिगिनिंग वाली फिगर है ये 417 रुपए और एंड वाली फिगर है 620 रुपए, ठीक है. तो आ जाओ यहां पर लिखते हैं. टू सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या फिगर है, 10,278. ऐड करोगे आप प्रीपेड एज ऑन
31st March 2015, एडवांस इन द बिगिनिंग को आप ऐड करते हो राइट, तो ये आपका आएगा 417 रुपए। ठीक है, तो 10,278 + 417 comes to 10,695 less prepaid as on 31st March 16। ठीक है ना, ये प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, और एडवांस आपका बिगिनिंग वाला ऐड होता है और एंड वाला लेस होता है। तो प्रीपेड एज ऑन 31st March 16 कितना हुआ, 620। माइनस 620, सो दिस कम्स टू 10,075। ठीक है सर, सनरी एक्सपेंसेस में आपका प्रीपेड दिया हुआ था, अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया वो सारा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग चल रहा था। ठीक है, तो हम लोग आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड कर रहे थे और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को लेस कर रहे थे। यहां पर हमारे प्रीपेड दिए दिया है, मतलब पेड इन एडवांस दिया हुआ है, तो एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड होता है और एडवांस इन द एंड लेस होता है, लॉजिक मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, सनरी एक्सपेंसेस डन। इसके बाद देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर अब कोई और चीज ऐसी नहीं है जो हम लोगों को उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालनी है। ठीक है, फिर आ जाओ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग डन, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग डन, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स डन, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक इंटरेस्ट वाला कर चुके हैं, इंटरेस्ट अक्रूड ये कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर चुके हैं, फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइब्रेरी बुक्स बची हैं, तो अब इन पे डेप्रिसिएशन लगाना होगा। The closing values of furniture and sports equipment are to be determined after charging depreciation at 10 and 20% per annum respectively. ठीक है, तो furniture पे 10% का depreciation लगेगा, तो आ जाओ लिखते हैं 2 depreciation on furniture 10% of, खरीदा भी था क्या फर्नीचर बीच में कहीं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में देखो फर्नीचर खरीदा है कहीं, नहीं कहीं फर्नीचर नहीं खरीदा, तो ओपनिंग वैल्यू क्या थी 9,600। ठीक है, तो 10% ऑफ 9,600, 9,600 का 10% 960 रुपीज। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कितना डेप्रिसिएशन था बोला था इसने, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे इसने डेप्रिसिएशन बोला था 20% ऑफ, 20% ऑफ ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% एंड 20% पर एनम रिस्पेक्टिवली इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस इफ एनी। ठीक है, तो अगर कुछ एडिशनल आपने कोई एडिशन किया हुआ है किसी फिक्स एसेट पे, तो उस पे भी आपका फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो फर्नीचर तो साल भर में खरीदा नहीं था, लेकिन ये देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहां पर 1,000 रुपए का खरीदा गया था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहां पर 1,000 रुपए का खरीदा गया था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200 प्लस ये वाला 1,000, ठीक है, ये वाला 7,200 प्लस ये वाला 1,000, इस पे 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 7,200 प्लस 1,000, ठीक है, तो ये आपका 7,200 प्लस 1,000 का 20% 1,640, 1,640। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे आपका डेप्रिसिएशन लगा 1,640। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगा 20% ऑफ 7,200 प्लस 1,000, तो ये हुआ 1,640। लाइब्रेरी बुक्स के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स क्या साल में कहीं खरीदी गई थी, हाँ ये देखो खरीदी गई थी, 1,000 रुपीज की लाइब्रेरी बुक्स भी खरीदी गई थी। ठीक, ओके, लाइब्रेरी बुक्स हमारे पास शुरुआत में 5,000 रुपए की थी और 1,000 की खरीदी गई, मतलब 6,000 रुपए की लाइब्रेरी बुक्स हो गई है, राइट। अगेन लाइब्रेरी बुक्स साल भर में 1,000 रुपीज की खरीदी गई एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और शुरुआत में लाइब्रेरी बुक्स 5,000 रुपीज की थी, तो टोटल लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6,000 रुपीज, राइट। बट यहां पर लिखा हुआ है
द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. हर साल के एंड में क्लब की लाइब्रेरी बुक्स को रीवैल्यू किया जाता है. एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ 31st मार्च 2016 वाज 5250. पर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 6000 आया. इन लोगों की वैल्यूएशन के हिसाब से 5250 आया. तो जो बचा हुआ 750 रुपए है वो कहां गया? वो डेप्रिसिएशन में चला गया. तो यहां पर आप लिखो 5000 + 1000 - 5250. ये आ जाएगा आपका 750 रुपए. आई होप ये समझ में आ रहा है. क्लब ने बाकी सारे क्वेश्चंस में हम लोगों से कहा है कि आप डेप्रिसिएशन निकालो और उसके बाद जो क्लोजिंग वैल्यू है उसको डिटरमिन करो. ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स के केस में क्वेश्चन ने हम लोगों को क्लोजिंग वैल्यू ही दे दी है, तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन डिटरमिन करना है. ठीक है, कैसे डिटरमिन किया वो देख लिया हमने कि 5000 की लाइब्रेरी बुक्स हमारे साल की शुरुआत में थी, 1000 रुपए की हम लोगों ने खरीदी, तो कायदे से 6000 होना चाहिए था. लेकिन इनके हिसाब से जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 5250 है, 5250 है, तो बचा हुआ 750 रुपए कहां गया? डेप्रिसिएशन. ठीक, तो लाइब्रेरी बुक 750 रुपए आ गए डेप्रिसिएशन. आगे देखें कुछ और है, बस अब और कुछ नहीं है. तो राइट साइड का टोटल है 28912 + 700 + 2000. ठीक है, -11460 - 7329 - 2286 - 10075 - अच्छा इसका डेप्रिसिएशन का टोटल तो मैंने लिखा ही नहीं, चलो 960 - 1640 - 750. तो ये आया 2888 का डेफिसिट आ गया, 2888 का डेफिसिट आ गया. तो ये आया बाय डेफिसिट 2888. ठीक है, बाय डेफिसिट 2888. डेप्रिसिएशन का टोटल लिख देते हैं, आ जाओ 960 + 1640 + 750 - 3350. ठीक है, 3350 ये आ गया और डेफिसिट आया है आपका 2888 रुपीज. आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी. 28912 + 700 + 2000 + 2888, तो दिस कम्स टू 34500. तो मेरा इधर आएगा 34500 और इधर भी आएगा 34500. ठीक है सर, तो इस तरह से आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बन गया. तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली और हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2016 भी बना लिया. अब हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो आ जाओ जी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. यहीं से शुरू कर देते हैं या नेक्स्ट पेज से ही शुरू करते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016. बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016. यह आया लाइबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए. ठीक, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016, लाइबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए. ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016, लाइबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए. इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि बैलेंस शीट बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट से फिगर्स लेनी शुरू करो. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें दिख रही थी वो आप सारी की सारी चीजें लेके शुरू हो जाओ. राइट, तो आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट को देखते हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले था अपने पास कैपिटल फंड. ठीक है, 47000 का कैपिटल फंड था और यहां पर भी हम लोग लिखते हैं कैपिटल फंड 47000 रुपीज का था. ठीक है, इसमें ऐड करेंगे, अगर सरप्लस होता तो ऐड करते हैं, लेकिन हमारे पास तो डेफिसिट है तो इससे लेस करेंगे डेफिसिट. ठीक है, 2888 का डेफिसिट इससे लेस किया जाएगा. ठीक है, 2888 का डेफिसिट इससे लेस किया जाएगा.
तो इसकी वैल्यू आएगी 47,000 माइनस 2888 44,112 2888 का डेफिसिट इससे लेस किया गया तो इसकी वैल्यू आई 44,112 ठीक है ओके फिर आगे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ठीक है कौन कौन से थे सैलरीज रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स मेरे ख्याल से सैलरीज रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स ठीक है इनकी जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वाली फिगर्स हैं वो आपको यहां पर क्वेश्चन से पता चल जाएंगी ये देखो 170, 973 और 340 ठीक है तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाली सारी आइटम्स आ गए अब आ जाओ एसेट साइड वाले आइटम्स देखते हैं सबसे पहले फर्नीचर ठीक है 9600 का फर्नीचर दिख रहा था तो आप करो फर्नीचर 9600 ठीक है हमें पता है इस पे हम लोगों ने 960 रुपए का डिप्रिसिएशन लगाया तो लेस डिप्रिसिएशन 960 कितना आया 8640 फर्नीचर आया आपका 8640 ठीक है इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200 का था हम लोगों ने शायद कुछ खरीदा भी था एड एडिशंस 1000 का खरीदा था जहां तक मुझे याद आ रहा है ठीक है तो ये हो गया 8200 और फिर लेस किया हमने इसमें से डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देख लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 1640 लगा हुआ है तो 1640 तो 8200 माइनस 1640 दिस कम्स टू 6560 ठीक है दिस कम्स टू 6560 उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद क्या था लाइब्रेरी बुक्स 5000 की थी ओके लाइब्रेरी बुक्स ठीक है 5000 की थी एड एडिशंस 1000 की खरीदी थी टोटल 6000 की हो गई थी डेप्रिसिएशन लेस किया 750 रुपए का तो ये अब 5250 की हो गई है ठीक है मेरे को सारी फिगर्स याद हो गई है क्वेश्चन करते करते हम लोग पिछले 39 मिनट से ये क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है बट आप लोग ऐसे कॉन्फिडेंटली इस तरह से मत लिख देना मुझे एक्चुअली याद है ये फिगर्स इसलिए मैं लिख रहा हूँ बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लोग एग्जाम में लगातार उनको क्वेश्चन को देख देख के फिगर्स लिखते रहो यू नो बी श्योर बिफोर राइटिंग द फिगर्स अदरवाइज हो सकता है आप लोगों ने कुछ और सोचा और फिगर एक्चुअल में कुछ और रही हो तो फ्री फंड में मार्क्स कट जाएंगे ठीक है तो लाइब्रेरी बुक्स हो गई 5250 की अच्छा इसके बाद क्या था ओपनिंग बैलेंस शीट में फिक्स डिपॉजिट्स 10% 20,000 तो चलो भाई फिक्स्ड डिपॉजिट 10% क्वेश्चन में दिया हुआ था ना ये फिक्स डिपॉजिट विद बैंक अच्छा ईयर एंड पे भी इसकी वैल्यू 20,000 ही है ईयर एंड पे भी इसकी वैल्यू 20,000 ही है तो फिक्स डिपॉजिट 20,000 हो गया इसके बाद कैश इन हैंड ओके तो
कैश इन हैंड, ये कहां से पता चलेगा? ये रिसीट्स एंड पेमेंट से पता चलेगा। तो ये यहां पर ये जो आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, इसमें जो बैलेंस कैरी डाउन 2450 है, यही है आपका कैश इन हैंड, राइट? तो 2450 इज योर कैश इन हैंड, 2450 इज योर कैश इन हैंड। इसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट, ओके, अक्रूड इंटरेस्ट कितने का था? आज क्वेश्चन में देखते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट भी 500 का ही था, हाँ 500 का था, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट भी 500 का ही है, साल के एंड में भी, साल के एंड में भी अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपए ही है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्वेश्चन में देखें एट द एंड कितना था, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द एंड था 1575, 1575, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था 1575। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये कितने का था? 620 रुपए, 620 रुपए, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए 620 रुपए। तो पुरानी बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स थे वो तो हम लोगों ने सारे लिख लिए, ठीक है। अब आ जाओ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से देखते हैं, कुछ है तो नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं, सब्सक्रिप्शंस डन, सब्सक्रिप्शंस में जितना भी रिसीवेबल था कर चुके हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कुछ नहीं था, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई है, रेंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी बुक्स डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है, फिगर्स भी लिखी हुई है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रीपेड लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिगर्स अलॉन्ग विद डेप्रिसिएशन सब लिखा हुआ है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस जो था ये भी हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक। फिगर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिख चुके हैं, 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 प्रीपेड लिख चुके हैं, फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइब्रेरी बुक सब लिख चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन में कुछ और बचा नहीं है, द बैलेंस शीट हैज टू टैली, बैलेंस शीट टैली ना हो इसका तो सवाल ही नहीं होता। 44112 प्लस 1483 दिस कम्स टू 45595, दिस कम्स टू 45595, ठीक है, देख लो 8640 प्लस 6560 प्लस 5250 प्लस 20,000 प्लus 2450 प्लस 500 प्लस 1575 प्लस 620, दिस कम्स टू 45595 एंड योर बैलेंस शीट इज टैलीड एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। 44 मिनट्स लग गए हम लोगों को क्वेश्चन करने में, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था, डन।